मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, मुझे उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में अच्छी तरह से होंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल जो पेंडेमिक चल रही है उससे हमें कैसे बचना है आप रोज टीवी पर सुनते होंगे। ठीक है, क्या करना है आपने इसके लिए बेटा, जब भी कहीं बाहर से आए या कहीं से भी, तो आपने सबसे पहले हैंड सैनिटाइज करने हैं या साबुन से अच्छी तरह से अपने हाथ धोने हैं। ठीक है बेटा, और दूसरी बात आपने क्या करनी है, जहां भी कहीं किसी से बात करनी है तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। वैसे तो बिना अननेसेसरी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर कहीं जाना पड़े तो थोड़ी दूरी बना के रखे। ठीक है, और मुंह पे मास्क लगा के जाना है। तो अगर हम इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे ना बेटा, तो हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इन बातों को सुनते भी हो और अपनी रोज की जिंदगी में इसको लागू भी करते हो इन टिप्स को। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ। आज बच्चे हमारा व्याकरण का एक विषय क्या करने वाली हूँ मैं, पर्यायवाची। ठीक है, तो पर्यायवाची करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर लिख रही हूँ पर्यायवाची, आप भी अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो और मेरे साथ लिखना शुरू करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आज मैंने करवाना है, पर्यायवाची। अब ये पर्यायवाची क्या होते हैं आपने किए हुए हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, एक ही चीज को हम कितने नामों से बुलाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पर्यायवाची, एक चीज के बहुत सारे नाम। जैसे छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सूरज है तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं, सूर्य भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये दिनेश भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम जो हैं वो किसके हैं, सूरज के। इसी तरह एक चीज के किन किन नामों से हम बुला सकते हैं उसे बोलते हैं पर्यायवाची, यानी कि इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पर्यायवाची। तो सबसे पहले पहला शब्द है, मैं सारे पहले लिख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ क्या क्या बोलते हैं, संसार। आप भी मेरे साथ लिखना शुरू करो। फिर है सोना, उसके बाद है बेटा स्वर्ग, फिर है सरस्वती, फिर है बच्चे चंद्रमा, फिर है दिन, उसके बाद है दूध, और फिर है धरती, धरती के बाद है नदी, और लास्ट में है नारी। ठीक है बेटा, ये 10 है इस बार पर्यायवाची जो आपके पीटी 3 में आएंगे। तो आपने इनको अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे लिखना भी है और याद भी करना है, और उतने ही वर्ड लिखने हैं जितने मैं लिखवा रही हूँ, 3-4। ठीक है, इससे कम नहीं लिखेगा कोई भी बच्चा और ना ही याद करेगा, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी में वर्ड जो है वो बढ़ने चाहिए हिंदी के, तभी आपको अच्छी तरह से हिंदी आएगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले है आपका यहाँ पे लिखा है संसार। अब मैं बताऊं संसार होता क्या है, संसार है वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया। तो संसार का हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दुनिया। अब और क्या बोलते हैं दुनिया को, हम कहते हैं ना सारे जग में ऐसा हो रहा है, जग। दूसरा वर्ड क्या है, जग। और क्या बोलते हैं, जगत। हम कहते हैं ये महामारी पूरे विश्व में फैली है, विश्व मीन्स दुनिया, सारे जगत में, सारे संसार में फैली है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, संसार को दुनिया, जग, जगत और विश्व। आगे है सोना, ठीक है, सोना आपने सुना है, सोना क्या होता है, इसके आभूषण बनते हैं, जेवर बनते हैं, ज्वेलरी बनती है ना सोने की, तो उसको और किन किन नामों से बुलाया जाता है। आपने देखा है हमारे अमृतसर में हरमंदिर साहब है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर। अब स्वर्ण क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सोने से बना हुआ है।
ठीक है ना, उसके बाद जो है सोने का पानी चढ़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण। तो और सोने का क्या नाम है? स्वर्ण। सोने को और क्या बोलते हैं? कंचन। क्या बोलते हैं? कंचन। और बोलते हैं हेम। हेम भी बोलते हैं सोने को बेटा, और कनक। ठीक है बच्चे, तो सोने को हम किन किन नामों से बुलाते हैं? स्वर्ण, कंचन, हेम और कनक। क्लियर। आगे है स्वर्ग। अब स्वर्ग क्या होता है? हमने बहुत बार सुना हुआ है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो कहते हैं ये स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। अब स्वर्ग किसको बोलते हैं? स्वर्ग ये हम जहां रहते हैं इस दुनिया में वो है मात लोग, मनुष्य का लोग, ठीक है, यहाँ सारे ही मनुष्य रहते हैं। तो इसी तरह जहां पर हमारे देवता लोग रहते हैं उसे बोलते हैं स्वर्ग, ठीक है। तो अब स्वर्ग को और किन किन नामों से बुलाया जाता है? तो मैंने बोला वहां पे देवता रहते हैं, तो इसे उसको क्या बोलते हैं? देवलोक। क्या बोलते हैं? देवलोक, जहां देवता निवास करते हैं। फिर और क्या बोलते हैं वह उसको? सुरलोक। सुर भी देवता होते हैं, तो और क्या बोलते हैं? सुरलोक, ठीक है। अच्छा, एक क्या होता है जब मनुष्य जो है वो मरण और मृत्यु और जन्म से छूट जाता है इन बंधनों से। अब वो तो बहुत मुश्किल है, कहते हैं बहुत सारी दुनिया जो है वो हमें लेनी, जन्म बहुत बार लेना पड़ता है, लेकिन जो छूट जाते हैं तो कहते हैं अमर हो गया, तो इसको और क्या बोलते हैं? अमरपुरी, ठीक है, अमरपुरी, ठीक है। देवलोक, सुरलोक और अमरपुरी। आगे है सरस्वती। क्या है आगे बेटा? सरस्वती। अब सरस्वती क्या है? सरस्वती जिस तरह हमारी माँ दुर्गा है, ठीक है, माँ गौरी है, उसी तरह सरस्वती भी देवी का नाम है। और वो कौन सी देवी है? विद्या की देवी, जो हमें विद्या की देती है, विद्या का दान देती है, ठीक है। तो उसे हम किन किन नामों से बुलाते हैं सरस्वती जी को, ठीक है, सरस्वती माता को किन किन नामों से बुलाते हैं? तो हम पहला क्या बोलते हैं? शारदा, माँ शारदा। तो यहाँ पे मैं खाली क्या लिखूंगी? शारदा, ठीक है बेटा। और क्या बोलते हैं इसको? गिरा। क्या बोलते हैं? गिरा, ठीक है, गिरा। और बोलते हैं भारती, ठीक है। ये है सरस्वती यानी के विद्या की देवी। फिर है चंद्रमा। अब चंद्रमा को हम किन किन नामों से बुलाते हैं वो तो सबको पता होगा। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं चंद्रमा को? चांद। क्या बोलते हैं? चांद, ठीक है, चांद। और क्या बोलते हैं? राकेश। और क्या बोलते हैं चांद को? मयंक। और क्या बोलते हैं? इंदु। और क्या बोलते हैं? सुधा बोलते हैं चांदनी को, तो सुधा देने वाला, सुधाकर, ठीक है। और चंद्रमा को क्या बोलते हैं? सुधाकर। आगे है दिन। अब हम पूछते हैं आज कौन सा दिन है, कौन सा बार है, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं दिन को? वार। और क्या बोलते हैं? दिवस। हम कहते हैं ना आज मेरा जन्म दिन है, आज मेरा जन्म दिवस है, ठीक है, तो और क्या बोलते हैं दिन को? दिवस। और वासर। और क्या बोलते हैं? दिवा, ठीक है बेटा। आगे है दूध। अब दूध जो है वो सारे पीते हैं ना, आजकल तो वैसे भी पीना चाहिए, तो दूध जो है उसको हम क्या बोलते हैं? वो गौ से हमें मिलता है, तो उसे गौ रस भी कहते हैं, ठीक है, गौ रस। और दूध को क्या बोलते हैं? संस्कृत वर्जन है इसका दुग्ध,
क्या बोलते हैं? दुग्ध। ग आधा ध, दुग्ध। और इसको बोलते हैं शीर। ठीक है बेटा, इसको पे भी बोलते हैं। आगे है धरती। अब धरती को हम किन किन नामों से बुलाते हैं? सबसे पहले धरती को हम जमीन बोलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं? भू और भूमि। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जमीन, भू, फिर भूमि। वसुधा भी कहते हैं इसको, वसुंधरा भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, भू, भूमि, जमीन, वसुधा, वसुंधरा। ठीक है, आगे है नदी। तो नदी को हम किन किन नामों से बुलाते हैं? तो सबसे पहले इसको बोलते हैं सरिता। ठीक है, क्या बोलते हैं? सरिता। और सलिल बोलते हैं पानी को, तो नदी को हम सलीला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलीला। ये देखो, सलील पानी, और इसको आके मात्रा लग गई, सलीला मीन्स नदी। आगे है चटिनी। चटिनी, फिर है निर्जरी। निर्जरी, क्लियर। आगे है नारी। नारी को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले स्त्री। ठीक है, स्त्री, स त्री, स्त्री, क्लियर। और क्या बोलते हैं? स्त्री के बाद महिला, फिर ललना और भामा। ठीक है, नारी के बहुत सारे नाम हैं। तो क्या क्या, सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको? नारी को बोलते हैं स्त्री, स आधा त्र को बड़ी ई, स्त्री, फिर महिला, फिर ललना और भामा। तो ये थे बेटा आपके पर्यायवाची। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पर्यायवाची जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आपने ये अच्छी तरह से लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ठीक है बेटे, तो धन्यवाद।